हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। और इस लेक्चर में हम आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे। आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन तो करेंगे, फिलहाल अभी हम लेक्चर नंबर जो आपका है ये हमारा 4 होगा। तो इसमें हम लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका 3 पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 4 में एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर पहले आप ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे क्या देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा, हिंदी इसका होगा सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, यदि आप यहां पे देखें तो ए बी और सी, ए बी सी यहां पे क्या है, ट्रायंगल है। यहां पे AC का जो आपका डायरेक्शन है या जो इसका वेक्टर है, AC का जो डायरेक्शन C से B की ओर है और इसका वेक्टर A है। BC BA का जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ है और इसका वेक्टर कितना, B। और CA का जो डायरेक्शन है ये आपका कितना है, CA का डायरेक्शन ये CA की तरफ है और इसका जो वेक्टर है A प्लस B है। यहां पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड अलोंग टू साइड of triangle taken in order, then they are resultant in represent by the third side taken in opposite direction. That is, triangle ABC is by triangle law of vector addition. यानी क्या बोला था, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कब कर सकते हैं, along two side of a triangle taken in order, then यदि दो साइड जो है ट्रायंगल का वो एक ही ऑर्डर में लिया जाए, इट्स रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे सो सी बी और बी ए है, इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं सेम साइज में है, इसका सी से बी और बी से ए, बट जो आपका थर्ड साइड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। जाना चाहिए था किधर, ए से सी की तरफ जाना चाहिए था, यदि कंटिन्यू रहे तो आपका इधर जाना चाहिए था, बट अपोजिट हो गया, क्या हो गया, सी से ए की तरफ हो गया। डेट इज इन ट्रायंगल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है, द वेक्टर सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर इज जीरो। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले ट्रायंगल रूल देखे थे, अब क्या देखेंगे, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम देखेंगे इफ टू वेक्टर एक्टिंग सिमिलिकेशनली ऑफ ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the diagonal of the parallelogram passing through that point. यदि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक parallelogram है ABDO, ABDO एक parallelogram है और इस parallelogram का जो आपका diagonal है वो क्या है, AB। यदि आप इसका direction check करें तो O से A की तरफ एक direction है और फिर A से B की तरफ direction है, और इसका जो डायगोनल है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी ओ से बी। यदि आप ऐसे जाएं ऐसे तो इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए बट अपोजिट, यानी ओ से बी की तरफ। सेम कंडीशन इधर भी है, यदि आप ओ से डी की तरफ और डी से ए की तरफ जाएं तो सेम डायरेक्शन है बट इसका जो डायगोनल है ये इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा ये अपोजिट, यानी इधर से हो जाएगा। फिर यहाँ पे यदि आप इसके रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है आपको ये याद रखना पड़ेगा, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे जो एंगल है फाई का जो वैल्यू होता है फाई इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। फाई इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम देखेंगे, आप ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें फर्स्ट हमारा जो है कम्युनिकेटिव
लॉ है, कम्युनिकेटिव लॉ में, जिसका हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यदि हम ऐड करें तो कम्युनिकेटिव लॉ के अनुसार ए प्लस बी, ए पहले है बी बाद में है, लेकिन हम चाहें तो बी प्लस ए भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोले तो दोनों इक्वल होगा। सेकंड रूल हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहां पे यदि आप ध्यान दें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को साथ में जोड़ा गया और उसके बाद फिर प्लस सी वेक्टर, या फिर हम ऐसे बोलें कि ए वेक्टर को बाद में जोड़ेंगे, पहले बी और सी वेक्टर को जोड़ लें। तो यहां पे क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर ए बाहर वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर उसके बाद ए वेक्टर, तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका इक्वल होगा। पहले आप ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर कीजिए उसके बाद सी वेक्टर को जोड़िए, या फिर पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़िए उसके बाद ए वेक्टर को जोड़िए, फिर भी क्या होगा, रिजल्ट इक्वल आएगा। थर्ड देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, योगज नियम एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे है फॉर एनी ए वेक्टर जीरो वेक्टर जीरो, यदि कोई वेक्टर ए है और उसमें जीरो वेक्टर है, यदि ए वेक्टर प्लस जीरो के साथ ऐड करते हैं तो जीरो का तो कोई मीन्स नहीं होता है, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ही हो जाएगा, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। यदि फोर्थ देखें तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का जो हिंदी होगा योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम। यदि यहाँ पे आप ध्यान दें तो फॉर ए निगेटिव वैक्टर माइनस ए, यदि कोई आपके पास ए वैक्टर है और निगेटिव वैक्टर माइनस ए हो जाएगा, अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ए प्लस माइनस निगेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ए वैक्टर और ए वैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन चारों रूल को आप याद रखेंगे। यहाँ पे नोट है, आप नोट में ध्यान देंगे, फर्स्ट नोट जो आपके पास है वो है फॉर एडिटिव इनवर्स चेंज साइन एडिटिव इनवर्स ऑफ टू इक्वल टू माइनस टू। यदि आपके पास कोई एडिटिव इनवर्स है और उस एडिटिव इनवर्स को ए आई मीन्स एडिटिव इनवर्स, उस एडिटिव इनवर्स को जब आप चेंज करते हैं तब माइनस टू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एडिटिव इनवर्स ए है, अब उसको आप इक्वल करना चाहते हैं तो माइनस ए, यहाँ पर टू माइनस टू इक्वल हो जाएगा। यदि आप सेकेंड नंबर देखें तो फॉर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यदि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में होगा तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू इक्वल टू वन बाई टू क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, टू का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन बाई टू, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें।